देखिए, आज दो दिनों से ललित यादव जी के आवास पर समीक्षा बैठक चली है। समीक्षा बैठक का काफ़ी महत्व है और प्रगट बैठक, तो ये आभार भी है क्योंकि आज बहादुरपुर प्रखंड के तमाम कार्यकर्ता नेता यहाँ मौजूद हैं और अपने बातों से अवगत करा रहे हैं। भोला यादव जी भी हैं, ललित यादव जी भी हैं और श्याम भारती महागठबंधन के तमाम नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ वेदनाथ यादव भी हैं। तो एक लगातार हम एक चीज़ जान चाहेंगे कि इस बार आप लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है, समीक्षा रिपोर्ट भी आ रहा है, आप लोग पहले रिपोर्ट ले लेंगे, अब क्या होगा 25 का रणनीति? आज जो मुख्य तौर से यहाँ हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं ने जो कड़ी मेहनत किया उसके लिए आभार प्रकट करने के लिए ये बहादुरपुर विधानसभा स्तरीय ये बैठक बुलाई गई है। हम बताना चाहते हैं जो 2025 में निश्चित तौर से हमें जो अभी लोकसभा चुनाव के दौरान जो कमजोरी हुई है उस कमजोरी को हम चिन्हित कर रहे हैं और आने वाले एक साल में हम बहादुरपुर विधानसभा में तमाम इंडिया गठबंधन महागठबंधन के लोग कड़ी परिश्रम करेंगे और जहां कमजोरी रही है उसको दूर करेंगे। और हम दावे के साथ कहना चाहते हैं जो 2025 में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार महागठबंधन के उम्मीदवार बहादुरपुर विधानसभा से विजय होंगे। ललित जी, पूरा समीक्षा आपने किया, लगातार गौरा बोराम शहरी विधानसभा समीक्षा में एक ही बात कॉमन रहता है, वो ये है कि सही तरीके से जो आपके साथ थे उन्होंने कार्यकर्ताओं को सही तरह से मान सम्मान नहीं दिया, गाइडलाइन नहीं दिया, जिस तरह बहुत तरह से उनको हम आपको बताते हैं कि हम लोगों का जो है दरभंगा लोकसभा क्षेत्र का पूरे लोकसभा क्षेत्र का 6 विधानसभा का एक समीक्षा सौ आभार प्रगट बैठक, ये केवल समीक्षा बैठक नहीं है, ये कार्यकर्ता साथी ने जो मेहनत किया है उसके प्रति आभार प्रकट भी हम लोग इस बैठक के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये आभार प्रकट बैठक भी है और दरभंगा लोकसभा क्षेत्र का हुआ, फिर विधानसभा वार हो रहा है उसमें हम लोग गौरा बोराम का, बेनीपुर विधानसभा का, शहरी विधानसभा का, आज फिर बहादुरपुर विधानसभा का, लगातार हम लोगों का ये आभार प्रकट बैठक चल रहा है, सौ समीक्षा बैठक। तो आप देखेंगे कि हम लोगों का जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, ठीक है परिणाम हम लोगों के पक्ष में नहीं आया, लेकिन पिछले 2019 में जो चुनाव हुआ है सभी विधानसभा में 20,000-25,000 हम लोगों का महागठबंधन का वोट बढ़ा है। आप जिस विधानसभा का ले लें, आज हम लोग बहादुरपुर का ही समीक्षा कर रहे हैं, तो हम 58,000 से जहां पिछले बार पीछे चले गए थे इस बार हम लोग मात्र 37,000 से गए। तो हर एक जगह हम लोगों का 20,000, 25,000, 21,000, 22,000 हम हर एक विधानसभा में बढ़त किए। आपका मानना है कि जो संविधान बचाओ और ये जो था वो सफल रहा, अगर वो प्रतिशत आपको कुछ अधिक हुआ तो जो आप लोग का मुद्दा था कि संविधान खतरे में है तो इस नहीं, देखिए संविधान खतरे में है, निश्चित रूप से खतरे में, उस समय में भी लोकसभा चुनाव था, हम लोगों का एजेंडा भी था, हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, लेकिन आपको देखेंगे तो लोगों ने समझा, जो समझदार थे समझे, कुछ लोग नहीं समझ पाए। तो संविधान यदि खतरे में है उस बात को समझ लेते तो हम लोगों का बहुत वोट से हम लोग जीते हुए थे। अब अपवाह वाली पार्टी है NDA, भाजपा, जिनसे हमारी लड़ाई है, पूरे देश में गणेश भगवान को दूध एक समय में ही पिलाना शुरू कर दे, तब ऐसे लोगों से हम लोगों को लड़ाई थी, तब ऐसे लोगों से लड़ाई लड़ने में हम लोगों से चूक हुई या महान जनता का आशीर्वाद हम लोगों को कम मिला, तो हम लोग तो महान जनता का जो आशीर्वाद मिला उसका हम लोग सम्मान करते हैं, चाहे वो लोग प्रोपगंडा करके वो अपना वोट बढ़ाए हो, हम लोगों का वोट घटाया हो, या चाहे हम लोगों के महान जनता कहीं संविधान को नहीं समझा, कहीं ये 5 किलो अनाज वाली बात है उसमें भूल भुलैया में लोग चले गए, या इस तरह का बहुत सारे मुद्दा था जो BJP ने उसको प्रोपगंडा से अपने वोटरों के बीच में, किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगा, ये अनाज जो मिल रहा है वो बंद हो जाएगा, बहुत दुष्प्रचार और भी बहुत बड़ा बड़ा दुष्प्रचार किया जिसको कि हम लोग बोलना नहीं समझे। देखिए विधानसभा में क्यों हारे,
देखिए आज वही समीक्षा बैठक रखी गई है ललित जी के आवास पर, और हम लोग देखिए करीब सभी कार्यकर्ता मेहनत किया, लेकिन हम लोग दो ही जगह पे मेहनत नहीं कर पाए। एक जो है गांव घर में जो बुजुर्ग महिलाएं के बीच हम नहीं पहुंच पाए, और 5 किलो अनाज के जो है हमारे नेता बहुत लेट से घोषणा किए कि हम 10 किलो अनाज देंगे, उस चीज़ को हम घर घर नहीं पहुंच पाए। और कहीं कहीं पे हमारे प्रत्याशी भी फूल के माला से इतना लद गए कि उसी में ही रह गए, वो जनता के बीच अपने कार्यकर्ताओं के बीच अपने कार्यकर्ताओं की बात को नहीं रख पाए, समझ पाए। कार्यकर्ता ने भी खूब मेहनत किया, लेकिन जो उम्मीदवार के आगे पीछे उनके जो डायरेक्शन करता होते थे, जो देख रेख करता होते थे, वो उसमें कहीं ना कहीं उस लोग की चूक है। हमारे उम्मीदवार तो अपने बहुत कोशिश किया और उनके कार्यकर्ताओं ने, लेकिन जो उनके अगल बगल के जो नेतृत्वकर्ता थे उनकी खास भूमिका है इसमें हारने में। ये हम इसी वजह से चुनाव हारे और बस इसी वजह से हारे। हमारे उम्मीदवार तो बहुत कोशिश किए, इतना कोशिश तो शायद ही गोपाल जी ठाकुर किए, और वहाँ उनको सब जिस से स्वागत किया गया था, कैसे किया गया था, तो सोशल मीडिया पर भी देखे, और हमारे उम्मीदवार को हर जगह फूल माला स्वागत जनता का प्यार मिलता था, लेकिन फिर भी हम लोग उस जगह पर नहीं पहुँच।